अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिदा परवीन हाजिर हुई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पनीर हंगामा, कुछ डिफरेंट नाम है इसका। और फ्रेंड्स, ये लगभग चिली पनीर की तरह है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि इसमें जो लाल सूखी मिर्च और लहसुन और काजू का तड़का है, वो थोड़ा चिली पनीर से इसे अलग बनाता है। और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है, आप इसे ब्रेड या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पनीर हंगामा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और इसे इस तरह से थोड़ा मोटे क्यूब्स में काट लिया है। और इसी के साथ मैंने ये एक छोटा शिमला मिर्च लिया है, इसे भी क्यूब्स में काट लिया है। और यहाँ पे साथ ही साथ आधा प्याज मैंने, एक मीडियम साइज़ का आधा प्याज मैंने काट लिया था, इसे भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पर 6 पीस काजू के लिए हैं, और ये 3 से 4 चम्मच मैंने टमाटो केचप लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। और यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ मैंने बारीक महीन काट लिया है, और 2 साबुत लाल मिर्च ली है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये एक बोल ले लिया है, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड किया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर आधा टेबल स्पून इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया था, और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने पानी लिया है। थोड़ा सा गाढ़ा इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे, ना गाढ़ा ना पतला, एक मीडियम बैलेंस में। और थोड़ा सा पानी मुझे और चाहिए था, तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के और पानी इसमें ऐड किया है। इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने पानी ऐड किया है, और यहाँ पर हमारा घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गैस पे ये कढ़ाई रख दी थी, और इसमें तेल को अच्छे से गरम कर लिया था, और सारे पनीर के पीसेस मैंने फ्राई कर लिए थे, और बाकी के बचे हुए तेल में मैंने ये काजू को फ्राई कर लिया था, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और मैंने मिर्च और लहसुन को भी सौटे कर लिया था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप इसमें ऐड किया है। और इसे प्लेट में एक बाहर निकाल लिया थोड़ा सा चला लेने के बाद, और इसका एक पेस्ट स्मूथ सा मैंने मिक्सी के जार में बना लिया, और यहाँ पे पेस्ट हमारा तैयार था। तो मैंने और थोड़ा सा कढ़ाई में तेल ऐड करके 1 चम्मच उसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड की थी, और थोड़ा सौटे किया था, और ये पेस्ट को इसमें ऐड कर दिया। और इसमें यहाँ पर मैंने एक छोटा चौथाई चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया, और नमक टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड किया है, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा चला लेने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस बचा के रखा था, तो उसे भी इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा अब हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें केचप ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ केचप मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे दोबारा से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स मैंने पानी ऐड किया है, ये थोड़ा सा थिक हो गई है ग्रेवी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पतला करना है इसे, बस थोड़ा सा हल्का सा अपने अंदाज से मैंने इसमें पानी ऐड किया था, 2 से 3 चम्मच। और यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच भर के सोया सॉस लिया है, और उसे भी इसमें ऐड किया है, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसमें अजीनोमोटो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, मेरे पास नहीं था, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ऐड करें ही। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये ग्रेवी देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, मैंने कोई भी फूड कलर इसमें नहीं ऐड किया है। और अब इस ये हमारी ग्रेवी तैयार है, तो मैंने ये जो पनीर के पीसेज कॉर्न स्टार्च और मैदे में डिप करके फ्राई किए थे, उसे इसमें ऐड कर दिया है, और इसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा पनीर हंगामा बन के तैयार है, और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आया है। लगभग ये चिली पनीर की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसका तड़का कुछ अलग है फ्रेंड्स, जो लाल सूखी मिर्च का तड़का है और लहसुन का, तो वो अलग है। तो यहाँ पे पनीर हंगामा हमारा बन के तैयार है, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया, और यहाँ पर ये एक बोल मैंने ले लिया है, तो आइए इसे इस बोल में सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पनीर हंगामा हमारा बन के काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आया है। मैंने इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश किया है, आप इसे धनिया पत्ती से भी गार्निश कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।